आज पनि अब मेडिटेसन गर्न जाँदैछु. आई डोन्ट नो आजको एक्सपिरियन्स के हुनेछ. भगवान् काम चाहिँ नआओस्. बेलुका 10:30 बज्यो. आधा घन्टा मात्रै गर्छु, धेरै गर्दिनँ. भर्खर नुहाएँ कुरा पनि. म त एउटै लगाइदिन्छु. ड्राई भयो क्या, फुट्यो चिसोले. दस बजेर 33 मिनट गयो. आज काम छुट्यो भने त पुरै देख्छ. लुगै लगाएँ. काम छुट्यो भने त मेडिटेसनै अफ गरिदिन्छु. झन् पहिले काम छुट्यो, पहिले पो काम बनाउन सुरु भयो. म त गर्दिनँ, म त गर्दिनँ. मेरो बडीमा केही समस्या छ जस्तो छ. मेरो नसा नसामा पावर आउँछ क्या. काम चाहिँ हेर्नु गर्दिनँ म त. आज आगो चिङ्गिने ब्रन्चियर
I mean, it doesn't want to open that.
gitmeyeceksin bu ne dedener. Bırakırsın bu ara. Ama gördün ama taze. Vibration ki ne olunca mı? Tüm New Year soru. What if you could do yoga with an Indian yoga teacher, live, in person, for free? Friends, क्या आप जानते हैं कि जो भी साधक ध्यान करना शुरू करता है, या फिर पूरे मन से पूजा अर्चना करता है, भक्ति करता है, कीर्तन करता है, उस साधक के भीतर फिजिकली बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे मेडिटेशन के दौरान बॉडी के अंदर हीट पैदा होना, वाइब्रेशन होना. या बॉडी में झटके लगना आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई पर सेंसेशनल होना शरीर में इस प्रकार के कुछ चेंजेस होने लगते हैं शुरुआती तौर में साधक समझ नहीं पाता कि उसकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है कभी कभी गहरी भक्ति के दौरान कोई मंत्र जाप या कोई डिवाइन म्यूजिक जैसे ओम का उच्चारण सुनते समय शरीर में घूस बम्स हो जाते हैं यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है अगर आप किसी साधना को करते हैं कोई ध्यान करते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सबके पीछे का विज्ञान क्या है आखिर इन सबके पीछे कौन सी साइंस काम करती है तो ठीक है बहुत से साधकों ने कमेंट के जरिए मुझसे ये पूछा था कि शरीर में इस तरह के परिवर्तन क्यों होते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनना शायद आपको कुछ नया जानने को मिले देखिए इन सब के पीछे का एक मेन कारण तो यह होता है कि आपका आपके शरीर के प्रति बहुत गहरा लगाव होता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं शायद आप यह बात नहीं जानते लेकिन आपका शरीर यह महसूस करने लगता है क्योंकि कोई भी साधना की शुरुआत मरने की ही तैयारी होती है और किसी का भी शरीर जल्दी स्वीकार ही नहीं कर पाता क्योंकि कोई भी शरीर मरना नहीं चाहता अब देखिए इसके पीछे का विज्ञान किस तरह से काम करता है जब भी आप कोई साधना करते हैं अब चाहे वो प्राणायाम हो मेडिटेशन हो विपसना हो या फिर भक्ति की साधना हो किसी भी प्रकार की साधना में आपके भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है ये कुछ इस तरह से काम करता है जैसे मान लीजिए आप विपसना मेडिटेशन करते हैं विपसना ध्यान में आप श्वासों पर ध्यान लगाते हैं आप श्वास को भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं श्वास भीतर और बाहर साधारणता आप श्वास भीतर और बाहर लेते रहते हैं लेकिन विपसना में आप श्वासों को होश पूर्वक देखते हैं श्वासों पर ध्यान लगाते हैं तो इस श्वासों से आपके भीतर घर्षण पैदा होता है एक फ्रिक्शन होता है ठीक उसी प्रकार से जब आप नाद का उच्चारण करते हैं या कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो इसमें भी घर्षण पैदा होता है तो किसी भी साधना की क्रिया में आपके बॉडी के भीतर फ्रिक्शन पैदा हो जाता है और जहां पर फ्रिक्शन या घर्षण होगा वहां पर ऊर्जा पैदा होती है और वो ऊर्जा या तो मोशन पैदा करेगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी आपका ये शरीर ठीक उसी विज्ञान पर काम करता है जिस प्रकार से किसी वाहन का इंजन काम करता है आप अपनी कार में या बाइक में फ्यूल डालते हैं किक मारते हैं तो घर्षण होता है या सेल्फ मारते हैं तो भी एक घर्षण पैदा होता है जिससे आपके वाहन का इंजन स्टार्ट हो जाता है इंजन में भी तेजी से घर्षण होता रहता है जिसकी वजह से आपके वाहन का इंजन एनर्जी जनरेट करता है और वह एनर्जी क्या करती है हाँ वह एनर्जी आपके वाहन को धक्का देती है एक मोशन क्रिएट करती है
तो यहाँ ये तो क्लियर है, जहाँ फ्रिक्शन होता है वहाँ एनर्जी पैदा हो ही जाती है, या मोशन के रूप में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। बिल्कुल ऐसे ही जब आप कोई साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, श्वास भीतर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, फिर फ्रिक्शन पैदा होता है और आपके भीतर का इंजन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब आप कहोगे कि श्वास तो हम हमेशा लेते हैं और अगर मंत्र उच्चारण नहीं करते तो साधारणतर शब्दों का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, जैसे गाना गाना या किसी से बातें करना। तब हमारी बॉडी झटके क्यों नहीं लेती या इसमें वाइब्रेशन क्यों नहीं होता? देखिए, आप जितनी श्वास लेते हो वो आप नहीं लेते, वो अनजाने में चल ही रही है, आप इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और साधारणतः अनजाने में श्वास लेते समय श्वासों के जरिए आप जितनी ऊर्जा अपने भीतर ले जा रहे हैं उसको हाथ के हाथ तुरंत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ तो करते ही हैं, कुछ तो करते रहते ही हैं। तो एक तरफ से प्राण वायु के जरिए ऊर्जा आपके भीतर जा रही है और दूसरी तरफ इस्तेमाल होती जा रही है, और इसीलिए आप काम करते करते थकावट महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा स्टोर नहीं हो रही है, वो खर्च हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप सोते हैं, सोते समय आपको सबसे ज्यादा मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी मिलती है और सोते वक्त आपका शरीर शांत पड़ा रहता है, कोई भी बाहरी क्रिया नहीं होती, प्राण वायु के जरिए केवल ऊर्जा आपके भीतर जा रही है और अब वो स्टोर हो रही है। इसीलिए आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, एक नींद लेने के बाद आप ताजा महसूस करते हैं, क्योंकि सोते वक्त आपने केवल कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर लिया और उसे स्टोर किया। अब वो एनर्जी इतना काम करती है कि आपकी थकावट को मिटा देती है और अगले दिन के लिए आपको दोबारा तैयार कर देती है। नींद के जरिए उतनी एनर्जी आपके भीतर स्टोर हो चुकी है जिससे आप अगले दिन के बाकी सभी काम कर सकें। और जो आप planning a trip but want to stay flexible, Kayak searches hundreds of travel sites to show you which hotels and vacation rentals offer free cancellation, so you can book now and adjust later if plans change. Kayak, search one and done. श्वास लेते हो साधारणता उस पर ध्यान नहीं लगाते, ये तो बस चल रही है, आप इसे होश पूर्वक नहीं देखते, लेकिन इतने में ही ये आपके पूरे शरीर को संचालित करती है। आप चलते हो, फिरते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, काम करते हो, आपके शरीर का ये यंत्र, ये इंजन इसी से तो चल रहा है, क्यों है ना? लेकिन किसी साधना के वक्त, ध्यान के वक्त या भक्ति के समय, मंत्र उच्चारण के समय, इन सब में एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, वो है आपका ध्यान, कॉन्शियसनेस, एकाग्रता, जिससे आपके शरीर में वो कॉस्मिक एनर्जी भारी मात्रा में पैदा होने लगती है। और आपके शरीर को तो साधारण ऊर्जा की आदत है जितनी डेली कामों के यूज में चाहिए होती है, लेकिन जब ध्यान में आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है तो ये आपके शरीर को झटके देना शुरू कर देती है, जिससे आपके शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है। किसी भक्ति भरे संगीत को सुनने से बॉडी में गूस बम्स हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, आपका शरीर सूक्ष्म तल पर ऊर्जा पैदा कर रहा है। और ध्यान में यह आपको बहुत ज्यादा मिलती है, जो साधक रेगुलर ध्यान करने लगता है शुरुआत में उसको यह बहुत ज्यादा महसूस होता है। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ था, जनरली जब मैं ध्यान नहीं कर रहा होता था, रात को सोते समय मेरे शरीर में अपने आप कभी भी झटके लगने लगते थे और फिर उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाता था। लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, असल में उस ऊर्जा के बहाव से आपके शरीर में, आपकी नाड़ियों में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब कुछ साफ होते हैं। ऊर्जा की उस फोर्स से सभी रास्ते, सभी ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं। और फिर उसके बाद कंटिन्यू ध्यान करने से या कोई भी साधना करते रहने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और आपके भौतिक जगत के साथ साथ, यानी इस फिजिकल बॉडी के साथ साथ, आपके सूक्ष्म तल में यानी भीतरी रूप से बहुत से परिवर्तन होते हैं और फिर ज्ञान का सूर्य उदय होने लगता है। आप इंटेलिजेंट होने लगते हैं, आपकी समझ और विवेक बढ़ जाता है,
तो अगर आपके साथ में ध्यान में कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल होता चला जाएगा। धीरे धीरे चलोगे तो नए नए एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे, आपका शरीर और मन भीतरी तल पर तैयार हो जाएगा उस अज्ञात के लिए, क्योंकि उस अज्ञात को, उस सत्य को आप सीधे सीधे नहीं झेल पाओगे। विक्षिप्त हो जाओगे, पागल हो जाओगे, जान तक जा सकती है। और शायद इसीलिए योग में गुरु का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। एनीवे, आज के लिए इतना ही। If so, you are now eligible to receive a free brand new smartphone with 25 gigabytes of free high-speed data, plus unlimited talk and text. Join over 5 million Americans on this new nationwide government program. There are no credit checks, no shipping costs, and absolutely no monthly bills. Click on the Start Now button to begin the 2-minute enrollment process.
Zaten ben resmen arıyorum. Orada müthişin örnek kondan. से कुछ लोग ध्यान के प्रति आकर्षित होकर उसको अभ्यास करने के लिए जब हम उसमें उतरते हैं तो धीरे-धीरे कुछ दिनों में हमें ध्यान करने के दौरान कुछ प्रकार के अनुभव होने लगते हैं और वो अनुभव हमें शारीरिक भी हो सकते हैं मानसिक भी हो सकते हैं भावनात्मक भी हो सकते हैं और आध्यात्मिक भी हो सकते हैं लेकिन जब हमें यह अनुभव होने शुरू होते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है और हम असमंजस में पड़ जाते हैं कंफ्यूजन में आ जाते हैं और अगर उस समय हमारे पास कोई हमें समझाने वाला ना हो कोई गुरु ना हो या कोई ऐसा योग्य व्यक्ति ना हो जो अनुभव से जान चुका हो और तनाव से अपने आप को रहित करे और इस दौरान जो मॉडल होकर हम देखते रहेंगे में हम अपने आप को उलझाएं ना तो ये हमने बात की थोड़ी सी किस प्रकार से आपको ये अनुभव हो सकते हैं क्या इसके कारण हो सकते हैं अब हम बात करते हैं लक्षणों की भैया तो जान तो है तेरे कैमरा दुरान होते हैं और आपको समझना पड़ेगा कि काम छूट जाना है या गलत है तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो आप सुन रहे हैं आप समझ सकते हैं कि आपको वो अनुभव सही है या गलत है होने चाहिए या नहीं होने चाहिए क्योंकि ये सब मेरा अनुभव भी रहा है मेरी लंबी यात्रा रही है ध्यान की तो उस दौरान मैंने बहुत से अनुभवों को अनुभव किया है और उनको एनालाइज भी किया है उनको समझा भी है तो एक मेरी समझ बनी है इन अनुभवों के प्रति वही समझ अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़े छोटे छोटे शारीरिक लक्षणों के बारे में आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि जब आप ध्यान में बैठ जाते हैं और 10-15-20 मिनट आधा घंटा आपको बैठे हुए होता है तो आपके पैर सोने लगते हैं आपकी पिंडलियां सोने लगती हैं आपका शरीर लोअर बॉडी आपकी सुन्न होनी शुरू हो जाती है तो वैसे ये स्वाभाविक ही है क्योंकि होता क्या है कि जब हम बैठते हैं तो हमारे पैर दब जाते हैं तो दबने से क्या होता है उनका जो रक्त का प्रवाह ऑक्सीजन का प्रवाह जो हमारे पैर की नस नाड़ियों में होना चाहिए वो उतना नहीं हो पाता है जिसकी वजह से वो सुन्न होने लगते तो ये स्वाभाविक सी स्थिति है तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप ध्यान में बैठे हैं तो 5-10 मिनट पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें अपनी लेग्स को वार्म अप कर लें थोड़ा जॉगिंग कर लें तो ऐसा करने से थोड़ा आपकी जब बॉडी वार्म अप होगी जब आप सीटिंग में बैठेंगे तो आप लंबी देर तक लंबे समय तक आप बिना शरीर के सुन हुए बैठे रह पाएंगे लेकिन ये तो एक शारीरिक कारण सामान्यकरण मैंने आपको बताया कि जब आप ध्यान में बैठते हैं पैर सुन के हो जाते हैं ये शुभ लक्षण भी है शुभ लक्षण कैसे एक्चुअली जब आप ध्यान में बैठते हैं तब हमारी जो शरीर की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है हमारी प्राण ऊर्जा ऊर्ध्व गति करने लगती Right. So, good morning, everyone. Namaste. Thank you very much for joining us for this Anchor the Life meditation. So, before we start, let's ask for blessing, shall we? To the Divine Supreme God, Divine Father, Mother, to all the spiritual elders, holy masters, saints, archangels, holy angels, and spiritual helpers. Personally, to my teacher, Master Tohoku Sui Mahaguji Meiling, we thank you for divine light, divine love. Thank you for your guidance, help, healing, and divine protection. We thank you in full faith, and so it is. All right, so
just quickly before we do our meditation, I was thinking of, you know, what topic should we talk about? And then I noticed that a lot of you have questions, you know, something so fundamental as when you're meditating, how come your body shakes? How come your body falls asleep? So instead of going through certain topics or teachings that are very new to many of you, we'll go straight to some of your concerns. So, number one, why do people shake? Let me just see here. I think that was the question. Let me just make sure that's the same thing. Why body shaking? All right. So why do people shake? Well, let's start off with this. Shaking is not an indicator of how soon to develop a person. In other words, looking at it, the more you shake, I was in the back and just kind of looking after, you know, just making sure everything's okay while he's teaching. So he was guiding us a very intense meditation. And I was in the back just kind of monitoring, make sure nobody falls off their chair. And then just imagine doing stillness, it was so quiet, and you hear this thumping. What the heck is that? You know, everybody's pretending, in my opinion, that they don't hear it. But it's obvious you hear this thumping, right? So I went over to the front of the class. I saw this guy, he's blissing out of his mind, and his leg was kind of shaking, right? Kind of, so part of it was tapping the floor. I go, excuse me, you're disturbing everyone, could you stop? She goes, no, it's okay, that happens when I'm in intense meditation, my leg shakes. I'm going, I thought we were trying to practice stillness here. How the heck could that be stillness when some part of your body is shaking? Essentially, what's happening is this. On his groin area, on his right leg, you know, where it meets in that area, the groin area, there was blockage. So as a lot of you know, in pranic healing, when there's a problem, first thing we do is clean. We don't put energy. Because why would you put energy if it's already stuck? So I start sweeping it for maybe, I don't know, 3 minutes maybe, the most. Just start sweeping that groin area, removing the blockage. And it's interesting, the more I swept, the less the shaking became. And by the time 3 minutes, 3.5 minutes was over, I was still. And I remember talking to my teacher about it. I said, Master, how come, you know, you read a lot of books on people saying, oh, when the Kundalini is awakened, their body shakes and doing this and that. He started to look at me and goes, yeah, because it's cleansing. Because when the divine energy comes down and there are blockages and the energy cannot get through, so what happens? If the energy is so strong as it goes through, and the body is very sensitive, the body will shake. So the shaking is the energy trying to get through, and as the body shakes, some of the channels are kind of being, how to call it, move a little bit, so hopefully the energy will go through. Oh, okay. That also accounts for why some people, when they're meditating, they shiver. The shivering is actually as simple as this. Simple rule, divine energy coming down is cooler. Like a hot flash. It's something when you're meditating, you're shaking, it's cold. So there's several things happening here. Just remember, water pours down, right? Water falls down, heat goes up. That's the easy way to remember it. So when you're shaking, more divine energy coming down than energy going up. When you're heating up, that means the lower chakras are more overstimulated than the top, so more energy is going up. When you're shaking a lot, I see like jerky movement, that means the energy is trying to break through a blockage. On all of these, the solution is simple. One, do exercises before you meditate. The stretching and all these different things that you do, moving your body, all those exercises are important to flush out as many of these minor blockages as possible. You see, a lot of people don't realize when you do hatha yoga, you know, when you do all those postures, people
Shoot, man, you're pounding it. Was in total failure. I needed a transplant fast. Dr. Uriel and the team at New York Presbyterian got me a new heart within a month. So now I'm back to doing what I'm meant to be doing. Hello, Earth citizens. In this video, I will show you a 10-minute routine to do for whole body shaking. Whole body shaking is one of my favorite exercises, because it's the easiest and fastest way to help you get rid of any unwanted energy, thoughts, emotions. Shivoham, Shivoham, Shivoham. Of shaking happens during sadhana, especially mala japa. Sometimes head shaking continues and sometimes my family worries about it. Is that shaking is okay? It's okay and fine if you are fine with that. Because as you progress, I tell you, many times your energy blocks are released when you make some movement in your body. I've seen. Sometimes, even for me also it happens, energy was too much. My, you know, alignment is so good, my kundalini start moving. When it start moving, energy don't move like a straight line, it moves like a non-linear movement. So that will happen. So shaking is not a problem. It is a good that it's a kundalini is awakened, kundalini is going up, so shaking is happening, energy is absorbed, you are receiving better. It's not a problem at all if it is a happening during a meditation. After meditation, 1 or 2 hours, that effect will be there. You may feel it, that, you know, heaviness, blankness, shaking, vibration. So shaking is not a problem. Tell to your family member, I am growing in the spiritual path. It is my kundalini is awakened. Mother has blessed me. I'm thankful. Shivoham, 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 Shivoham.
meditation and become aware of such vibration, which is all the Chinese ready. Every human brain one can breathe that vibration only when they are in deep meditation, because they are very subtle. Otherwise, normal people are not aware or in certain this vibration. If one has become mindful of the body, then such vibration can also be felt after meditation. Well, there are some other reasons for feeling such vibration in many parts of body while meditation. According to some studies, such vibration during meditation, this can be due to follow some cosmic energies in body during meditation. These energies can also be received when we are deep sleep and while worshipping. However, when we are deep in meditation, these are abundant. So during meditation, this energy is circulation through the nadis or channel. Then due to blockage in nadis, it obstructs the flow of cosmic energy. Then this vibration occurs in order to clear the path for the energy to flow. Ultimately, meditation is for healing the body, so this vibration can be taken a part of healing of our body. The vibration thus can be caused duration healing in our body, which is necessary for curing physical and mental disease. Hence, you can continue your spiritual meditation. People try to help low vibration individual. Does vibration help a silhouette like happens to vibration in a physical experience? Determine the energy is destroyed. The right hand, can we help with the vibration to lower? Does vibration help a screw muscle?
Thank you.